डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्क डन ऑन ए टू स्टेज रेसिपरेटिंग एयर कंप्रेसर विद द इंट्राकूलर कंप्रेसर। तो नॉर्मली हमें पता है कि इंटरकूलिंग जो है दो तरीके से की जाती है। एक होती है इनकम्प्लीट, जिसे कि हम बोलते हैं इनपरफेक्ट इंटरकूलिंग। तो सबसे पहले इसके लिए हम वर्क डन की बात कर लेते हैं कि कितना वर्क डन रिक्वायरमेंट रहता है। तो चूंकि यहां पे दो स्टेज है, इंटरकूलर यदि लगा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि दो स्टेज में कंप्रेशन हो रहा है। पहला लो प्रेशर में हो रहा है सिलेंडर में, और दूसरा एचपी सिलेंडर में हो रहा है। तो टोटल जो वर्क डन बनेगा वो बनेगा एलपी सिलेंडर वर्क डन, वर्क ऑफ एलपी सिलेंडर प्लस वर्क ऑफ एचपी सिलेंडर। तो एलपी सिलेंडर का वर्क डन कितना हुआ और एचपी सिलेंडर का वर्क डन कितना हुआ, ये टोटल वर्क डन रहेगा। तो एलपी सिलेंडर के वर्क डन जो रहेगा वो n अपॉन n माइनस वन पी वन वी वन ब्रैकेट में पी टू बाई पी वन की पावर n माइनस वन बाई n रहेगा, माइनस ऑफ वन। हाई प्रेशर के लिए सिलेंडर के लिए जो वर्क डन रहेगा n अपॉन n माइनस वन इंटू पी टू वी टू, क्योंकि हाई प्रेशर पे कंप्रेशन करना है तो पी टू वी टू, और ब्रैकेट के अंदर जो प्रेशर रेशियो रहेगा P3 थ्री बाई पी टू एन माइनस वन बाई एन माइनस ऑफ वन रहेगा। तो यहां पे टोटल वर्क डन है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और यहां पे लिख सकते हैं। तो जो टोटल वर्क डन रहेगा ये n अपॉन n माइनस वन पी वन वी वन ब्रैकेट में P2 टू बाई पी वन, जो कि प्रेशर रेशियो है लो प्रेशर सिलेंडर के लिए, प्लस P2 टू बी टू जो लिखा हुआ था। अब चूंकि यहां पे n अपॉन n माइनस वन को हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में n अपॉन n माइनस वन जो है कॉमन है। ये n अपॉन n माइनस वन एलपी में है और n अपॉन n माइनस वन जो है आपका एचपी में है। तो यहां पे हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में पी थ्री बाई पी टू टू द पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस ऑफ वन। तो ये टोटल वर्क डन आ गया इन परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए। फिर दूसरा जो वर्क डन है कंप्लीट इंटरकूलिंग के लिए, वो यहां पे हम कर लेते हैं फॉर कंप्लीट इंटरकूलिंग, यानी कि जिसे हम परफेक्ट इंटरकूलिंग भी बोलते हैं। तो इसके लिए जो वर्क डन रहेगा, क्योंकि इंटरकूलिंग जो है प्रॉपर तरीके से की जा रही है, तो इसमें जो नियम रहेगा वो पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू, यानी कि जो टेम्परेचर है लिविंग ऑफ द इंटरकूलर इट इज इक्वल टू टी वन एंटरिंग ऑफ द लो प्रेशर सिलेंडर के बराबर रहेगा। जबकि यहां पे जो टेम्परेचर था वो टी थ्री ज्यादा था लिविंग ऑफ इंटरकूलर से कंपेरिजन टू द एंटरिंग ऑफ एलपी सिलेंडर। तो चूंकि पी वन बी वन बराबर पी टू बी टू हो गया, तो जो वर्क डन रहेगा जैसा कि एलपी और एचपी के लिए हमने यहां पे बात की थी लिखा था, तो ये पी वन बी वन बराबर पी टू बी टू है। तो इसके हिसाब से यहां पे जो वर्क डन है एन अपॉन एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई पी वन बी वन इन द ब्रैकेट पी टू बाई पी वन की पावर एन माइनस वन बाई एन प्लस ये लो प्रेशर के लिए प्रेशर रेशियो था, ये हाई प्रेशर सिलेंडर के लिए प्रेशर रेशियो है माइनस ऑफ टू। तो ये आपका वर्क डन निकला कंप्लीट या परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए। इसी को हम चेंज कर सकते हैं, चूंकि हमें पता है पी वन वी वन बराबर होता है एम आर टी वन, तो ये वर्क डन जो होगा निकल के इसको मॉडिफाइड लिख सकते हैं एन अपॉन एन माइनस वन इंटू एम आर टी वन इन द ब्रैकेट पी टू बाई पी वन
की पावर एन माइनस वन बाई एन प्लस पी थ्री बाई पी टू जो कि हाई प्रेशर के लिए प्रेशर रेशियो है। तो ये वर्क डन निकल के आया जब हमने परफेक्ट इंटरकूलिंग की, और ये वर्क डन निकल के आया जब हमने इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग की। तो यहां पे जो P1 जो है ये प्रेशर ऑफ एयर एंटरिंग इन द एलपी सिलेंडर लो प्रेशर सिलेंडर के लिए है, V1 जो है वॉल्यूम ऑफ द एलपी सिलेंडर है, P2 जो है ये प्रेशर ऑफ एयर लिविंग इन द फ्रॉम द एलपी सिलेंडर है, एन पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है, स्मॉल एन पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है, एम जो है मास ऑफ द एयर है, T1 जो है टेम्परेचर ऑफ एयर एंटरिंग इन दी एलपी सिलेंडर है, V2 जो है वो वॉल्यूम ऑफ एचपी सिलेंडर है। एन स्मॉल एन पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है जो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, और एलपी एंड एचपी सिलेंडर के लिए। तो आज हमने वर्क डन देखा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए, जिसमें कि परफेक्ट इंटरकूलिंग और इनपरफेक्ट इंटरकूलिंग का इस्तेमाल किया गया।